मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के मागडौन में महापुरुषों की प्रतिमा को रखने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान बुधवार 24 जनवरी की रात को लगाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर से गिरा दिया गया। यहां पर कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहते थे। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर की टक्कर से गिरा दिया गया। इस मामले में थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वीडियो फुटेज के आधार पर 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। घटना में सब इंस्पेक्टर सहित 1 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। उज्जैन SP सचिन शर्मा ने बताया कि सुबह कृषि उपज मंडी के सामने बाजार में बवाल हो गया। दरअसल यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थकों ने रात्रि में उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ समर्थकों को नागवार गुजरी। यहां पर प्रतिमा स्थापना को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, मगर सुबह जब कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को गिराया तो लोगों में आक्रोश भड़क गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी की घटना हुई। एडिशनल SP गुरु प्रसाद परासर ने बताया कि इस मामले में दोनों तरफ से शिकायतें मिलने पर FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के मुताबिक CCTV फुटेज के आधार पर 6 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। मागडौन में हुई पत्थरबाजी और मारपीट की इस घटना में सब इंस्पेक्टर सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के सामने भी पथराव की घटना हुई। पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव किया तो उप निरीक्षक को पत्थर लग गया। इस मामले में पुलिस ने अलग से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने की शिकायत की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर थाना प्रभारी BS देवड़ा को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जिन लोगों ने अपराध किया है उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। यदि आपको यह खबर पसंद आई हो और इसी तरह आप मध्य प्रदेश की खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द खबरदार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें द खबरदार न्यूज़।